आज सेल का आखिरी दिन है और आपके नीड के अकॉर्डिंग जो लैपटॉप आप बाय करना चाह रहे थे, अगर उतना बजट आपका इस बार नहीं हो पाया है तो कोई गलत लैपटॉप मत बाय कर लेना, क्योंकि जो सेल है वो तो आती जाती रहती है। जिस लैपटॉप की आपको नीड है तो उस लैपटॉप को ही बाय करें, थोड़ा और पैसा सेव करके नेक्स्ट सेल जब आएगी तो उसमें आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसी सेल में बाय करना है अपने बजट के अकॉर्डिंग, तो मैं आपके लिए कुछ लैपटॉप लेके आया हूँ, तो आप देख सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग उनको बाय कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो। हाँ, अगर आप इंस्टा पे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, फॉलो जरूर कर लेना अगर आपने इंस्टा पे फॉलो नहीं करा है तो। सारे लैपटॉप के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। तो जो पहला लैपटॉप है वो है HP Victus। ये 2021 में ही लॉन्च हुआ है और काफी ज्यादा बिका भी है। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो की लुक्स के ऊपर काफी ध्यान देते हैं, आपको एक अच्छा डिजाइन चाहिए और एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए, बस अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए, अच्छा यूजर एक्सपीरियंस चाहिए और एक अच्छी ब्रांड वैल्यू चाहिए, सर्विस वगैरह भी आपको अच्छी मिल जाएगी, तो आप ये लैपटॉप ले सकते हैं। काफी अच्छा लैपटॉप है, इसका प्राइस भी जो बेस वेरिएंट है वो काफी कम हो रखा है, अभी आपको 57 के अराउंड मिल जाता है। अगर दूसरे लैपटॉप की बात करूं तो एक ऐसा लैपटॉप चाहिए कि आप सोच रहे हैं कि नहीं, मेरे को विक्टस नहीं लेना है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मुझे नहीं चाहिए, थोड़ा ज्यादा रिफ्रेश रेट होना चाहिए डिस्प्ले का, तो फिर आप जो है वो लेनोवो आईडियापैड गेमिंग 3 ले सकते हैं। इसका प्राइस भी अभी जो है वो डाउन हुआ है, 57 के अराउंड आपको मिल रहा था, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ये भी इसमें आपको GTX 1650 4GB का ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है और इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, अगर CPU की बात करें तो AMD Ryzen 5 5600H देखने को मिलता है। डिजाइन वगैरह भी काफी अच्छा है, थर्मल्स वगैरह भी अच्छे हैं, ऑल ओवर ये लैपटॉप भी काफी अच्छा है अगर आपका बजट जो है वो 60 के अंदर है। तीसरा जो लैपटॉप है वो भी HP की तरफ से ही आता है, HP Pavilion। इसमें भी आपको सेम जो है Ryzen 5 5600H देखने को मिलता है और GTX 1650 देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज्यादा है। इसका प्राइस अभी आपको मिल जाएगा 62 के अराउंड मिल जाएगा, तो 62 के अराउंड अगर आपको कोई लैपटॉप लेना है तो ये आप ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए तो विक्टस की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ एक गेमिंग में अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, ज्यादा FPS चाहिए, तो आप ये ले सकते हैं। इसमें आपको जो है वो ज्यादा रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले देखने को मिलता है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है आपको इसमें, तो आप ये ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपका बजट जो है वो 66 या 67 के अंदर है तो फिर आप दोबारा से HP Victus ही मैं यहाँ पे रखूंगा, क्योंकि अगर आपको अच्छी बैटरी बैकअप चाहिए तो आप इसे बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बैटरी बैकअप वगैरह से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है तो फिर 2000 और बढ़ा करके जो है आप 69,000 में जो है वो Acer Nitro ले सकते हैं। इंटेल i5 11th Gen 11400H जो है वो इसमें CPU देखने को मिलता है और इसमें आपको जो ग्राफिक कार्ड है वो RTX 3050 देखने को मिलता है, और इसका अगर कंपैरिजन आपको जो है विक्टस के साथ कंपैरिजन भी देखना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप कंपैरिजन देख सकते हैं। इसमें आपको 1TB का HDD और 256GB का जो है वो SSD भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर आप बजट को थोड़ा और बढ़ाते हैं, 75K तक जाते हैं, तो फिर आपको जो है वो ASUS TUF A15 देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आपको Ryzen 7 4800H जो है वो CPU देखने को मिलता है, और अगर GPU की बात करें तो इसमें आपको NVIDIA GeForce RTX 3050 ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है। इसमें भी आपको जो है 512GB SSD देखने को मिल जाती है और 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। अगर आप 80,000 तक जाते हैं और आपको कंटेंट क्रिएशन के लिए लैपटॉप चाहिए तो फिर इसे आपको जरूर बाय करना चाहिए, ASUS ROG Zephyrus G14। इसमें आपको 14 इंच की जो है वो डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि थोड़ा सा कम है। डिस्प्ले बड़ी होती तो कंटेंट क्रिएशन के लिए ज्यादा अच्छा होता, लेकिन फिर भी आपको जो है 14 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है। इसका वेट भी कम देखने को मिलता है, इसका वेट 1.6 kg है, और इसमें अगर GPU की बात करें तो इसमें आपको GPU देखने को मिलता है GTX 1650 4GB, लेकिन अगर CPU की बात करें तो इसमें आपको Ryzen 7 काफी पावरफुल जो है वो CPU देखने को मिलता है, तो ये कंटेंट क्रिएशन के लिए है। इसमें आपको वेबकैम देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बाकी ऑल ओवर ये लैपटॉप काफी अच्छा है। इसमें आपको 100% sRGB भी देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप 85-86 के अराउंड तक अगर जा सकते हैं तो इस बजट के अंदर आपको मैकबुक एयर भी मिल जाता है डिस्काउंट में। वैसे अभी तो वो आपको स्टॉक में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर मिलेगा तो आपका बजट अगर 85-86 है तो आप उसे ले सकते हैं इस बजट के अंदर। वो तो अगर कंटेंट क्रिएशन के लिए चाहिए आपको तो वो सबसे बेस्ट है।
अगर आपको गेमिंग वगैरह से कोई मतलब नहीं है तो। और अगर आप 90,000 तक जा सकते हैं तो आपको Asus TUF Gaming F15 की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है 90,000 के अंदर आपको जो है वो RTX 3060 GPU देखने को मिल जाता है, जो कि 6GB के साथ आता है। और इसमें आपको जो अगर CPU की बात करें तो वो i5 के साथ आता है, Intel 11th Gen 11400H। तो अगर आपको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसमें कि अच्छा GPU हो, एक तगड़ा GPU हो और कम बजट के अंदर, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, 90,000 के अंदर अंदर आप इसे ले सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।